कब से सरकार द्वारा नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया है और जुर्माने की राशि को कई गुना बढ़ा दिया गया है, तब से देश भर में चालान को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कहीं पुलिस के साथ वाहन चालकों की झड़प, तो कहीं चालकों द्वारा वाहनों को फूंकने की खबरें भी सामने आ रही हैं। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी लोगों की जेब पर असर डाल रही है। हर जगह ट्रैफिक पुलिस की सख्ती और चालान से लोग सड़कों पर अब संभल के चल रहे हैं। जुर्माने की राशि हजारों में होने के कारण यहाँ चालकों में रोष है, तो वहीं पुलिस का कहना है कि इससे लोग जागरूक होंगे। उनका कहना यह है कि वह बिना किसी कारण चालान नहीं काटते, जिनसे कागजात पूरे नहीं है अथवा नियमों की पालना नहीं करते हैं उन्हीं का चालान किया जा रहा है। नियमों की पालना से सड़क हादसों में कमी आएगी। सरकार का मकसद सड़क हादसों को कम करना है, इसलिए नियमों को कड़ा कर दिया गया है। चालान काटने की इस कड़ी में सीएम सिटी की पुलिस भी पीछे नहीं है। सिटी ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक दिन में 121 चालान कर करीब 4.25 लाख का जुर्माना भी किया गया है। ट्रैफिक इंचार्ज राजेंद्र कुमार ने बताया कि उनकी टीम द्वारा यह चालान किए गए हैं, अन्य टीमों ने भी दर्जन चालानों किए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि शुगर मिल के पास शराब पीकर वाहन चलाने वाले दो चालकों का 30,000 रुपए का जुर्माना भी किया गया है, तो वहीं ब्लैक फिल्म लगे करीब 8 से 10 वाहनों का भी चालान किया गया है। उन्होंने बताया कि ब्लैक फिल्म सरकार द्वारा प्रतिबंधित है, फिर भी कुछ लोग इसकी परवाह किए बिना ब्लैक फिल्म लगवा रहे हैं। इस ब्लैक फिल्म की आड़ में कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी घटना को अंजाम देकर फरार हो सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह अपने वाहनों के सभी कागजात पूरे रखें और नियमों की पालना करें। उन्होंने कहा कि एक SP सुरेंद्र सिंह भोरिया के निर्देश के अनुसार यह कार्रवाई की जा रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। आपको बता दें कि देश में 1 सितंबर को आधी रात 12 बजे से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ था। मोटर व्हीकल एक्ट में हुए संशोधन के बाद अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 10 गुना तक अधिक जुर्माना लोगों को भरना पड़ रहा है। राजस्थान और बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में मोटर व्हीकल संशोधन कानून लागू हो गया है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना लोगों को बहुत भारी पड़ रहा है। राजेंद्र जी, मैं आपसे कुछ एक सवाल जानना चाह रहा था। सर, जब से सरकार ने चालानों के रेट कई गुना बढ़ा दिए हैं, 1 सितंबर से लेके अब तक, प्रतिदिन कितने चालान काटे जा रहे हैं? देखिए, जिस दिन से ये नए रेट आए हैं, 1/9 से 1/9/2020 से, जब से हमारे प्रतिदिन 50, 60 और कल 121 चालान हुए हमारे। सर, क्या ये पता लग सकता है करनाल में सबसे महंगा चालान अब तक किसका हुआ होगा? कल हमने चालान किए हैं दो ड्रिंकिंग ड्राइवर को, जो कम से कम 30,000 के चालान है, जो दारू पी के बाइक पे सवार थे। तो सर, कल टोटल 121 चालान कटे, तो उसमें कलेक्शन कितनी हुई होगी लगभग? उसमें लगभग 3.5 लाख के करीब, मतलब एक दिन में 3.5 लाख कल। तो सर, ये जो आपके नाके लगाए जाते हैं, ये आपका रोस्टर बनाया जाता है या किस तरीके से इनको कमान दी जाती है जवानों को? ये ऐसा है जी, एसपी साहब के आदेश अनुसार है, ये जहाँ भी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र, खासकर इधर मेन रोड पे, इधर से ज़्यादातर क्रम है, इसका ही रहता है कि उधर से साफ़ सुथरा तो आकर हमारे यहाँ शहर में वारदात करते हैं, या इधर कैथल रोड पे, वो हम अपने मर्जी से भी लगा सकते हैं। एसपी साहब भी आदेश जारी करते रहते हैं, एसपी साहब के साथ है जमुना बॉर्डर जगह की चेकिंग की। सर, करनाल में सबसे संवेदनशील एरिया, मतलब जहाँ पर सबसे अधिक वाहन चालक जागरूक नहीं है, ऐसा कौन सा क्षेत्र ऐसा आपको लगता होगा? ये ज़्यादातर तो रामनगर और सदर बाजार का एरिया ऐसा है जहाँ लोग ज़्यादा जागरूक नहीं है, और हम समय समय पर जैसे अब भी हम चालान करेंगे तो पहले तो उनको समझाते हैं भाई, आप वगैरह हेलमेट मत चलो, डॉक्यूमेंट पूरे रखो, सीट वाली मत बैठाओ, कई नंबर नहीं लगाते गाड़ियों पर, ब्लैक फिल्म बड़ी गाड़ियों पर खास नज़र रखी जाती है, क्योंकि उसमें पता नहीं चल पाता कि कौन बैठा है, कोई अंदर कुछ खा पी रहा है या कुछ और गड़बड़ है, इस तरह की चेकिंग बड़ी गहनता से की जाती है। बार बार समझाया भी जाता है लोगों को, समझा के छोड़ भी दिया जाता है, वो उसके बिहेव का जाता है कि वो कैसा बिहेव करता है, अगर शरीफ आदमी तो उसको समझा के भेजा जाता है। ये तकरीबन शरारती तत्व है जो पार्टियों का जंग बताते हैं, या ट्रिपल रहेंगे या विदाउट नंबर के चलते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। सर, अब तक अंदाजा अगर देखा जाए तो पिछले 9 दिनों में कितने चालान कट गए होंगे? 9 दिनों के करीब 200-250 चालान हमारे कट चुके हैं, 1 तारीख से और आज 7 तारीख तक, और ये आगे भी जारी रहेगा। धन्यवाद सर।
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।